तो नमस्कार, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो सीटेट का पेपर हुआ है, ठीक है, 7 तारीख को। उसका लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश चुना है, तो इंग्लिश सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। उसके आंसर्स क्या होंगे, पैसेज वाइज जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर पहले देखेंगे। तो 121 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट पूछ रहा है ट्रस्ट का, ट्रस्ट का अपोजिट होगा डिस्ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका 122 122वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, ठीक। 123 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस इरस, तो इसका हो जाएगा पहला सी सेक्शन। सी सेक्शन में गलत है क्योंकि ये राइज एंड फॉल ऑफ प्राइसेस, ये एक तरह से एक ही यूनिट की बात होती है, तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब है वो सिंगुलर होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये सही है। अब 124वां क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द जॉब ऑफ द ऑक्सिलरी नर्सेज, इसमें दिया हुआ है ये इनको जाना पड़ता है इधर उधर फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स टू रीच आउट पीपुल, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 125 की बात करें तो द हेल्थ प्रोजेक्ट जो लॉन्च्ड इन ट्राइबल एरियाज एम्स टू, उसका एम क्या होता है उस प्रोजेक्ट का, तो वो प्रिवेंट डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी के दौरान जो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ हो जाती है बच्चों की, उनके लिए उसको रोकना, यही उसका एम होता है, ठीक, उस प्रोजेक्ट का। उसके बाद 126वां क्वेश्चन, द ट्राइबल पीपुल ट्रस्ट द हेल्थ वर्कर्स मोस्टली बिकॉज दे बिलोंग टू देयर ओन कम्युनिटी, ये उन्हीं के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ये लोग, ठीक। उसके बाद 127वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि बी जो है वो ट्रू है और ए जो है वो फॉल्स है। 128वां क्वेश्चन देखा जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग, रिमोट मतलब होता है दूर, तो इसका हो जाएगा फारथेस्ट, ठीक, फारथेस्ट मतलब भी दूर होता है। अब बात करते हैं 129वें क्वेश्चन की, तो इस पैसेज को आप पूरा अगर पढ़ेंगे तो उससे अच्छा है हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं यही अप्रोच अपनाता हूँ कि क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए। तो देखिए इसमें क्या पूछा, विच वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब होता है ब्रांड, तो सीधे ब्रांड ये सही हो जाएगा दूसरा। और 130 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा तो विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड वंडरफुल एज यूज इन द पैसेज, तो अनरिमार्केबल का मतलब होता है, वंडरफुल मतलब अद्भुत विशेष, अनरिमार्केबल मतलब होता है सिंपल साधारण, जो रिमार्केबल ना हो। 131 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर, किसमें गलती है, तो यहाँ पर पहले में ही गलती होगी, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा, ठीक। अब बात करते हैं 132वें क्वेश्चन की, तो 132वां क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल, कैसे हम फुल पोटेंशियल अटेन कर सकते हैं, तो इसका चौथा सही होगा, बाई प्रॉपर एंड सीजलेस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज, इस तरह से हम काम करते हैं, सभी एरियाज को इम्प्रूव करते हैं तो हम पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं, फुल पोटेंशियल को। 133वां क्वेश्चन देखा जाए तो 133वां क्वेश्चन क्या है, वॉट इज कॉमन एमंग द ग्रेट पीपुल मेंशन इन पैरावन, पैरावन में जो ग्रेट पीपुल का नाम आया हुआ है कई लोगों का, महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, तो इसमें उन सब में कॉमन क्या है, तो एक चीज़ कॉमन है, पहला सही होगा, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो अपने हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक। 134 क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां, हाउ डू वी स्टैंड टू गेन वेन वी कंडीशन आवर माइंड टू डू आवर बेस्ट, अगर हम अपने मस्तिष्क को कंडीशन कर लेते हैं, एकदम अभ्यस्त कर लेते हैं कि हम अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो क्या होगा, हम कहाँ स्टैंड करेंगे, वी आर नेम फेम वेल्थ, हमको ये सब मिलेगा, ये तीसरा सही होगा। अब 35वां क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल सक्सेसफुल पीपुल आर कमिटेड टू कैजन, सब लोग कमिट नहीं है लेकिन इफ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड इट विल सर्व आवर वर्क वंडरफुली, अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो हमारी अच्छे से सेवा करेगा, तो ये पहला तो गलत है, ए इज़ फॉल्स बी इज़ ट्रू, तीसरा सही हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन की, तो 136 में कहा गया है कि अ टीचर ड्राइव्स द क्लास इन स्मॉल, इसको आप पढ़ेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा, मैंने इसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को माना है, अगर कोई और होता है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि अगर ये आंसर गलत है इसका ये होगा, ठीक है, आप कह सकते हैं। 37 का क्या होगा, ये एक्सटेंसिव लर्निंग होगा, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि
स्टोरी बुक को पढ़ते हैं प्लेजर के लिए, तो एक्सटेंसिव रीडिंग यही होता है कि हम उसको बस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नहीं पढ़ते हैं, मजे के लिए पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा इसका। और 38वां का हो जाएगा, अगर वो 2.5 साल का बच्चा अपने सिबलिंग की किताब लेकर के उसके पिक्चर देख करके स्टोरी बताने लगता है तो वो आगे चल के इमर्ज स्टोरी राइटर, वो स्टोरी राइटर बनेगा आगे चल के, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं 139वें की। अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन सी एक्सप्लेन देम ओरली। ओरली जब एक्सप्लेन किया जाता है तो सबको अच्छी तरह समझ में आता है। तो मतलब क्या है कि ये लर्निंग स्टाइल किस में आएगा, ऑर्डरी में। ऑर्डरी मतलब होता है बोल करके समझाना, बोलने से संबंधित होता है साउंड से। ठीक, 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो 140वां क्वेश्चन आपका कहता है कि एक टीचर जो है आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। एक बच्चे को कहता है कि इंफॉर्मेशन को पढ़ो, फिर लिटरल लेवल मतलब साहित्यिक से ऊपर उठ करके उसका इंटरप्रिटेशन करो, व्याख्या करो। तो ये प्रेडिक्शन होगा, तभी व्याख्या होगी ऊपर उठ करके, मतलब साहित्य से अलग बहुत बढ़ा चढ़ा करके मतलब व्याख्या करना, भविष्यवाणी जैसे करते हैं प्रेडिक्टिंग में आएगा ये। अब बात करते हैं 141वें क्वेश्चन की। तो स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज प्रेजेंट लैंग्वेज एज होल। स्टोरीज में क्या होता है कि भाषा पूरी तरह से आती है निकल करके, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है स्टोरी भाषा को देखने में, तो इसलिए ये पहला सही हो जाएगा। और 142 का देखा जाए तो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी। अब पढ़ाना है टीचर को द ऑनेस्ट वुड कटर, चैप्टर का नाम है, उससे पहले वो ऑनेस्टी के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहा है, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। ऑनेस्टी के बारे में पता हो जाएगा तब वो ईमानदार वुड कटर के बारे में समझ पाएंगे, ईमानदारी के बारे में जानते होंगे तो। ठीक, अब बात करते हैं 143वें क्वेश्चन की। तो अ चाइल्ड गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, नए स्कूल में एडमिशन होता है तो टीचर जो है वो सरप्राइज होती है कि उस 4 लैंग्वेज बोलती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीलिंगुअल है, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पा रही है इसलिए लिंग्विस्टिक नहीं कहेंगे हम। अब मोनो होता है जो एक भाषा बोलता है, बायलिंगुअल मतलब दो भाषा बोलने वाला, लिंग्विस्टिक मतलब कई भाषाएँ बोलता है। ठीक, तो ये मल्टीलिंगुअल है, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम 44वें क्वेश्चन की। तो 44वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 वाइल रीडिंग अ चैप्टर फाइंड सम डिफिकल्ट एंड अनफेमिलियर वर्ड। उसको कुछ कठिन शब्द मिलते हैं जिसको जानता नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए। सिंपल है, अ टीचर ऑफ क्लास 5 विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ाना है तो क्या करना होगा, ग्रामर गेम पर फोकस कर सकते हैं जिसपे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर बेस हो। ठीक, तो इसके माध्यम से वो आराम से सीख जाएंगे। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा। 46वें क्वेश्चन की बात करें तो 46वें क्वेश्चन क्या है, एज पर नोम कॉम्स्की थ्योरी, इसका मैंने ये माना है कि कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन सेकेंड लैंग्वेज में इसका स्थान मिलता है। ठीक, अगर कोई और होता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, 147वें की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो दूसरा सा करेक्ट होगा, चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चे जो है स्कूल में आते हैं बहुत सारे अनुभवों के साथ, क्योंकि वो पैदा होने के साथ ही अनुभव गेन करना शुरू कर देते हैं। एंड देयर मदर टंग एक्ट लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश, अगर इंग्लिश सीखना है तो उनका मदर टंग जो होता है वो एक रिसोर्स की तरह से, एक माध्यम की तरह से काम करता है, उसके माध्यम से हम जोड़ करके उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। ठीक, तो ये सही होगा। 148वें क्वेश्चन की बात करें तो द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेज, फ्रेज कंबाइन टू फॉर्म क्लास, क्लास ज्वाइन टू मेक सेंटेंस, मतलब कैसे बनता है, इसको सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक, 149, इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 22, और अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश को क्या रखा गया है, फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज माना गया है। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज ही कहेंगे हम, सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, तो ये रहा इंग्लिश का सेक्शन, बाकी सेक्शन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बना करके दे दूँ सही आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग कम्प्लीटली।